नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल टिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक नए वीडियो लेके आए हैं जिसका आयुष्मान भारत कार्ड, फाइनली आयुष्मान भारत कार्ड का अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों हमें तो मिल गया है, आपको मिला है या नहीं आप ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो अप्रूवल कैसे मिलेगा, और ब्राउजर सेटिंग, आयुष्मान भारत कार्ड को अप्रूवल मिल गया है लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा फ्यूचर दे दिया गया है कि जो कि आपको गूगल क्रोम ब्राउजर है उसमें कुछ सेटिंग करना होता है तभी आपका आयुष्मान भारत का काम होगा। अन्यथा अगर आप वो सेटिंग नहीं करते हैं तो आपको हम जो एरर मैसेज आ रहा है वो हम आपको दिखाएंगे, और इस वीडियो में हम आपको ब्राउजर सेटिंग भी करके दिखाएंगे किस तरह से ब्राउजर सेटिंग करना है। और हम ब्राउजर सेटिंग नहीं करते हैं तो हमें दिक्कत क्या होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने टेक्निकल रितिक बॉस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, क्योंकि आप बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तभी हमारा जो भी वीडियो अपलोड होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम फाइनली चलते हैं आयुष्मान भारत का वेबसाइट पर। तो मैं यहाँ से टाइप कर लेता हूँ PMJAY CSC क्लाउड, और ये हमारा आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल लिया है, और ये देखिए डायरेक्ट, ये देखिए दोस्तों मेरे को फाइनली आयुष्मान भारत का अप्रूवल मिल चुका है, जो कि मैंने आपको काफ़ी वीडियो में ही बताया था कि आप अगर आयुष्मान भारत का अप्रूवल लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर दें, और मैंने कर दिया था। आज मेरे को इसका PMJAY का आयुष्मान भारत कार्ड का अप्रूवल मिल चुका है दोस्तों। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। जब यहाँ पे ऑप्शन आता है होम सर्च बेनिफिशियरी, अप्रूवल बेनिफिशियरी और पेंडिंग बेनिफिशियरी और रिजेक्टेड बेनिफिशियरी और लॉग आउट, ये हमारा कुछ यहाँ पे साइड में मेनू आ रहा है, और यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम CSC यूजर, यूजर टाइप CSC यूजर, और CSC आईडी मेरा दिया हुआ है, लास्ट का 5 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा है, ईमेल आईडी जो हमारा कुछ लास्ट का डिजिट शो कर रहा है, और देख रहे होंगे आप मेरा होम स्टेट बिहार है और डिस्ट्रिक्ट गया है दोस्तों। तो यहाँ पे फाइनली मेरे को अप्रूवल मिल चुका है। अगर आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो किस तरह से आपको अप्रूवल लेना है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए हमको सबसे पहले हम सर्च बेनिफिशियरी में जाते हैं। सर्च बेनिफिशियरी में जाने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा सर्च बेनिफिशियरी खुलता है या नहीं खुलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरा सर्च बेनिफिशियरी खुल गया है। अगर आपका नहीं खुल रहा है तो उसके लिए मैं बता दूँ कि आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे सिस्टम में, जैसे कि एक मेरा दूसरा सिस्टम था उसमें मैंने लॉगिन किया तो मेरा नहीं खुला, तो मैं वापस से जब सेटिंग किया तो वहाँ पे मेरा लॉगिन हुआ, और इस सिस्टम में जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरा लॉगिन हो जा रहा है, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ। जैसे मैं नाम से कोई सर्च कर लेता हूँ, मेरा तो नाम नहीं है दोस्तों इसलिए मैं अपना तो नाम सर्च करके दिखाऊँगा नहीं। तो यहाँ पर मैं जैसे अपना ही नाम डाल लेता हूँ, अभिरंजन कुमार, और यहाँ पे दोस्तों मैं अपना सिर्फ पिन कोड डालता हूँ, इतना के बाद मुझे बता देगा कि यहाँ पे कुछ कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अभिरंजन कुमार, एज 12 साल दिखा रहा है बिहार, और ये पंचानपुर का ही बता रहा है, तो जो मेरा नज़दीकी एरिया है वहीं का बता रहा है। तो मैं इसका देख लेता हूँ डिटेल्स, और यहाँ पर देखिए दोस्तों कलेक्ट KYC करने के लिए मैं यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर ऑन करने बोल रहा है, जो कि आप यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे होंगे कि एक रेड कलर का आता है, तो आप यहाँ पे माउस ऊपर ले जाएंगे URL के तरफ तो आपको यहाँ पे पॉपअप ब्लॉकर होगा, जिसको यहाँ पे ऑलवेज अलाउ पॉपअप करना होगा, जिसको मैं ऑलवेज कर लेता हूँ और डन कर लेता हूँ। और इसके बाद फिर मैं से कलेक्ट KYC पे जाता हूँ। कलेक्ट KYC पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी का डिटेल्स आएगा दोस्तों, तो मैं देख लेते हैं किस तरह का डिटेल्स आता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ दिया हुआ है, और इसके आगे मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे फिंगर प्रिंट लेगा। तो उसके पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि अभी तक मैंने भी नहीं एक भी किया है, आज ही मैं जब पोर्टल को लॉगिन किया तो मैं देखा कि मेरे को अप्रूवल मिल चुका है, तो मैं 2 बजे ही आपको वीडियो देने वाला था लेकिन मैं काम की वजह से नहीं दे पाया आपको वीडियो, क्योंकि आपको पता होगा कि CSP का मैं वर्क करता हूँ तो CSP पे 4 बजे से पहले हमें छुट्टी नहीं मिलता है, वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत टफ हो जाता है दोस्तों। तो चलिए हम सेटिंग के बारे में आपको बता देते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम आएगा ये, और मेरे को 90% ऐसा उम्मीद है कि ऐसा प्रॉब्लम आता है।
तो चलिए इसको लिए सेटिंग के लिए हम आपको बता देते हैं। तो आपको एक नया टैब ओपन कर लेना है, यहाँ पे लिखना है क्रोम। तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ क्रोम डॉट फ्लैश फ्लैश, और उसके बाद जो है जो एफ एल एफ एल ए जी एस, तो इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद दोस्तों इस तरह का कुछ मेनू आ जाएगा, और यहां पे आपको सर्च कर लेना है नॉर्मली कंट्रोल एप करके। कंट्रोल एप करने के बाद आप लिखेंगे इंसुएर, तो मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूं आई एन एस ई सी यू आर ई इंस्योर। तो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों इंस्योर इंस्योर का जो ऑप्शन आ रहा है यहां पे डिसेबल बता रहा है, तो इसे आपको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूं। और यहां पे रिसर्च रिलॉन्च नाउ, यानी आपका जो ब्राउजर है वो रिलॉन्च हो जाएगा, दोबारा से ऑटोमेटिक बंद होगा और ओपन हो जाएगा। तो इसको रिलॉन्च आप कर दें, और देखिए मैं यहाँ पे रिलॉन्च कर लिया हूँ और विंडोज ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और ये देखिए मेरा विंडोज ऑटोमेटिक खुल गया है और यहाँ पे इनेबल हो गया है। तो दोस्तों ये क्यों इनेबल करना है इसके बारे में तो हमें अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं दूसरे सिस्टम पे लॉगिन कर रहा था तो वहाँ पे मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, लॉग आउट हो जा रहा था बार बार। तो वहाँ पे मुझे जब मैं ये सेटिंग किया तो वहाँ पे मेरे को लॉगिन हो गया था, लेकिन इस सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अगर कहीं आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो हमारा सोल्व हो गया, और दूसरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पे स्टेटस में, जो कि देखिए यहाँ पे जब रिलॉन्च किए हैं तो उसके बाद ऐसा कुछ आ गया है, और यहाँ पे फिर से मैं एक सर्च करके आपको दिखा देता हूँ अभिरंजन कुमार। और यहाँ पे एरिया पिन कोड डाल देते हैं, और देखिए यहाँ पे सर्च रिजल्ट में 1 दिखा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि जब आप सर्च रिजल्ट पे जाते हैं तो सर्च रिजल्ट में अगर आपसे आपका 5 से अगर नीचे रहेगा तो आपको सर्च रिजल्ट में बताएगा। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाला और पिन कोड डाला तो यहाँ पे 1 ही था, इसलिए यहाँ पे मेरे को शो कर दिया न थे। आपको ये सारा फिल कर देना है, जो जो मांगा जा रहा है आपको फिल कर देना है, उसके बाद सर्च करें आपको एक्यूरेट आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप, आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब यहाँ पे आप एक्यूरेट सब कुछ डालेंगे तो उसके बाद आपको सर्च रिजल्ट में सही दिखाएगा, बिल्कुल जिस बंदा का आप चेक करना चाहते हैं उसी का दिखाएगा। और यहाँ पे आगे हम थोड़ा जाके देख लेते हैं दोस्तों कि कलेक्ट केवाईसी में जाते हैं, तो कलेक्ट केवाईसी में जाने के बाद हम आगे का फ्यूचर देख लेते हैं, जो कि मैं किसी का भी हो अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के हमें चेक करने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, और हम यहाँ पे सेल्फ करते हैं तो हमारा मोबाइल पे बता रहा है कि एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ओटीपी नहीं डालूंगा क्योंकि ये पता नहीं किसका नाम है। तो और दोस्तों मैं बात कर लूँ कि अगर आपको अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है तो अप्रूवल कैसे मिलेगा, तो आप दोस्तों वहाँ पे कंटिन्यू चेक करते रहें। मैंने एक दिन पहले वीडियो बताया था कि जो कि आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था लेकिन वो फिर से रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था, री रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया था। तो अगर आप री रजिस्ट्रेशन अगर कर दिया है तो आपको 100% अप्रूवल मिल जाएगा। एक बार ऐसे नहीं है तो आप अपने सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से आप बात कर लें, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं बात करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको अप्रूवल मिल जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं दोस्तों, इंतजार ही करना है, और इंतजार के सिवा आप कुछ नहीं कर सकते। किसी के हाथ में नहीं है, डायरेक्ट ये आयुष्मान भारत का जो एक टीम है वहां से सारा ये मतलब कलेक्ट होता है कि क्या इस पर कैसे काम करना है और कहाँ पर अप्रूवल देना है। और अगर आप बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो ऐसा भी देख रहे हो कि 5 से भी एली को अप्रूवल मिलेगा, 10 भी एली को अप्रूवल मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। आपको 100% अप्रूवल मिलेगा, जितने भी एली हैं सभी को अप्रूवल मिलेगा। तो आप यहाँ पे बस इंतजार करें, मैं इससे ज्यादा तो आपको नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा दोस्तों, और इसके सिवा दूसरा रास्ता कुछ नहीं है कि आपको अप्रूवल मिल जाए।
तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।